बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन क्वेश्चन आंसर पर बेस करेगा, लेकिन हम इस पर स्पेशली फोकस करेंगे ज़ीरो एरर के ऊपर। और ज़ीरो एरर में भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि नेगेटिव ज़ीरो एरर किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो आइए अब हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं पहले लेता हूँ वर्नियर कैलिपर के हिसाब से ज़ीरो एरर का मतलब क्या है, फिर स्क्रू गेज के हवाले से जीरो एरर हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम जस्ट एक मैं आप लोगों के साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उस पर पहले फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की आवाज, अब मैं आप लोगों को ना अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रहा हूँ, लेकिन सारे लोगों ने अनम्यूट नहीं करना। जो पार्टिसिपेंट बात करना चाहे सिर्फ वो करे, और उसके बाद वो अपने आप को म्यूट कर दे, ताकि जरा थोड़ा सा स्मूथ हमारी हमारा सेशन जा सके। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये ऑप्शन दे दिए कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो जरा डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। जी, सारे लोग अपने अपने माइक बंद कर लें। सादिया सलीम, आपका माइक चल रहा है इस वक्त। ओके, तो अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर में जो सबसे पहले आप लोग देखेंगे वो इस बात को, इस स्क्रीन को देखें, ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है? कोई एक मुझे फीडबैक दे दिया करे ताकि जरा मुझे तसल्ली हो गया आप लोगों को नजर आ रहा है। यस सर, आ रही है। ओके सर, आ रही है नजर। ओके डन। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप गौर करेंगे इस वक्त, कैलिपर के ये जार्स जो यहाँ पे नीचे वाले देख लें, ऊपर वाले देख लें, जो भी आप देखना चाहें वो इस वक्त बंद है, ये भी और इसी तरीके से ये भी। इनके बंद होने का मतलब ये लिया जाता है कि इस वक्त हम जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड करना चाहिए। अब अगर जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड करना चाहिए और तो उस और ये कर भी रहा है, तो उस सूरत में तो हमारा मसला ही कोई नहीं कि यहाँ पे जीरो एरर नहीं है, क्योंकि हम जीरो जीरो को कॉन्साइड करने का मतलब यह है कि इस वक्त जो रीडिंग आ रही है वर्नियर कैलिपर के ऊपर वो जीरो है, और क्योंकि हमने दोनों जहाज के दरमियान कुछ भी नहीं रखा, दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इट शुड बी जीरो। तो यहां तक तो बात ठीक है, जीरो नहीं। अब मैं आता हूं आपको एक और स्क्रीन, इसकी बजाय दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैंने सिर्फ स्केल्स बनाई हैं। अब आपने ये देखना है कि वहां पे सिर्फ स्केल्स आपको नजर आ रही है, ये वाली मेन स्केल नजर आ रही है और वर्नियर स्केल नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि वहां पर 20 लाइन थी, जीरो इसी तरह 1, 2, 4 करके यहाँ पे 10 थी, लेकिन वो सारी असल में 20 लाइंस ही थी। अब ये हमारे पास जो पोर्शन था 20 लाइन, अब मैंने यहाँ पे आसानी के लिए 0 से लेकर 15 और उसके बाद 0 को दोबारा लिख दिया, यानी उस 20 को मैंने 0 लिख दिया। ये हमारे पास मेन स्केल है। अब मैं उसमें भी गौर किया होगा, यहाँ पर भी आप देखो कि 0 से लेकर ये 4 है, यहाँ पे ये लाइन और इसकी 20वीं लाइन यानी 3.9 वाली लाइन मिल रही है इसकी 20th लाइन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो हमारे पास 20 लाइनें हैं, इसकी 40 लाइनों के बराबर नहीं है, या 40 मिलीमीटर के बराबर नहीं है, बल्कि 39 मिलीमीटर के बराबर है। इसका मतलब आप ये लेंगे कि अगर यहाँ पे आप गौर करें इस जगह पे, तो आपको पहली लाइन मेन स्केल की 2 मिलीमीटर वाली लाइन से थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है, क्योंकि वर्नियर स्केल की जो एक लाइन है वो 2 मिलीमीटर से थोड़ी सी कम है। जैसे हमने पिछले डिस्कशन में किया था कि ये बेसिकली 1.95 मिलीमीटर के बराबर है, तो यहां पर भी ये 1.95 मिलीमीटर के हवाले से ही बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस जीरो को, मैं इसको ये बटे जो माइक खुले हैं उनको बंद कर दें, डिस्टर्बेंस हो रही है मेरा ख्याल थोड़ी सी। अच्छा, अब मैं ये करता हूं कि इस जीरो को थोड़ा सा अगर इस तरह मूव करूं, जिस तरह मेरा ये माउस मूव कर रहा है, अगर ये थोड़ा सा इस तरह मूव करूं तो ये पहली लाइन मिलेगी इस लाइन के साथ
तो इसका मतलब इन दोनों लाइनों के दरमियान इस वक्त 0.05 मिलीमीटर का डिफरेंस है। अब लाजमी तौर पे अगर जो जबड़े हैं वो 0.05 मिलीमीटर खुल जाएं, तो लाजमी तौर पे ये पहली लाइन के साथ ये 2 मिलीमीटर वाली लाइन कोइंसाइड कर जाएगी। मैं इसको मूव करके आपको दिखाता हूं, अगर ये मूव करते हुए यहां पे आ जाए तो इट मींस, मैं इसको जरा और बड़ा करके अगर आपको दिखा सकूं, इस तरीके से आपको मजीद नजर आ जाएगा कि अगर ये लाइन, पहली लाइन जो थी वो इस जीरो, ये वाली लाइन बिल्कुल मिल गई, तो अब ये जीरो इस जीरो के साथ नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि अब भी अगर ये जबड़े आपस में मिले हुए हैं तो यहां बगैर कुछ रखे हुए 0.05 मिलीमीटर शो हो रहा है। क्या बात है, आप लोग अपने माइक बंद नहीं करना आ रहा, ऐसे बंद हो गए। अब आप लोग हैंड रेज करेंगे या चैट के जरिए अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। अब अगर आप गौर करें कि इसके अंदर ये बहुत अहम पॉइंट है कि ये लाइन अगर इस लाइन के साथ मिल रही है तो इसका मतलब ये इस वक्त 2 मिलीमीटर के साथ मिल रही है, तो लाजमी तौर पे ये लाइन 0.05 मिलीमीटर से आगे जा चुकी है। तो इट मींस कि यहां पे बगैर कुछ रखे हुए इस पर रीडिंग आ रही है 0.05 मिलीमीटर। तो लाजमी तौर पे जब हम इसमें 1 सेंटीमीटर वाली या 1 मिलीमीटर वाली चीज रखेंगे तो वो तो रीडिंग शो करेगी 1.05 मिलीमीटर। अब 1.05 मिलीमीटर असल में 1 मिलीमीटर था, तो हमें आखिर पे जाकर उसको तफरीक करना पड़ेगा, तो इसलिए ये जीरो एरर पॉजिटिव होती है। अब अगर यही हमारे पास जो पोजीशन है कुछ इस तरह बन जाए कि ये वाली लाइन थोड़ी सी, ये थोड़ा सा और पीछे चला जाए इस तरह कि अब ये लाइन भी इसके साथ सीधी नहीं मिल रही, मतलब ये लाइन भी सीधी नहीं मिल रही, ये लाइन भी सीधी नहीं मिल रही, लेकिन ये लाइन बिल्कुल सीधी मिल रही है। अब अगर इस लाइन को देखा जाए कि ये बिल्कुल सीधी मिल रही है तो अल्टीमेटली यहाँ पे दूसरी लाइन है जो किसी भी लाइन के साथ सीधी मिल रही है, तो दूसरी लाइन जब मिलेगी तो उसमें असल में 0.05 एक लाइन के मिलने की वजह से, 0.05 दो लाइन की, तो इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस फालतू हो गया वो 0.05 का डबल हो गया। तो इसी वजह से जब जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं तो 0.05 mm को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस लाइन के साथ जो किसी भी मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। होपफुली आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई होगी कि हमने इसमें क्या बात की है। ये तो था जीरो एरर जब पॉजिटिव होती है, और जीरो एरर जब पॉजिटिव होती है तो अक्सर जगहों पे हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं तो समझ भी बड़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन जीरो एरर जब नेगेटिव होती है ना तो वहां पर आके कन्फ्यूजन होती है। वहां पर आके कन्फ्यूजन कैसे होगी कि अगर फर्ज करें कि ये जीरो इस वक्त जीरो के साथ मिल रहा है तो देर इज नो जीरो एरर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर यही जीरो आगे गुजर जाए, यानी अब होना यह चाहिए कि इस वक्त जबड़े बंद हो और जबड़े बंद होने पर जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड करे, लेकिन अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाए कि ये जीरो इससे थोड़ा सा आगे चला जाए, अब आगे जाने की सूरत में क्या हो रहा है देखा जाए तो ये डिस्टेंस तो देखा जाए तो ये डिस्टेंस तो पहले ही 0.05 का है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूं तो ये तो नहीं हो सकता कि ये 0.05 इसके करीब हो जाए, दूसरी नंबर 2 मिलीमीटर के करीब हो जाए, ये तो और फासला बढ़ जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने कितना डिस्टेंस मूव किया है। इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा क्योंकि स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हैं इस वजह से थोड़े से ये आप लोग थोड़े से मैसेज करना बंद करें ताकि चीजें क्लियर नजर आना शुरू हो। जी,
अब इसको अगर आप गौर करें तो यहां पे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा उसमें लाइन जो नजर आ रही है, आपको ये लाइन नजर आ रही होगी, मैं इसको एनोटेट कर दूं। ये लाइन आपको मिलती हुई नजर आ रही होगी। अब ये लाइन अगर आप गौर करें, अगर बिल्कुल मिल रही है तो इस तरह वाली जो दूसरी लाइन थी वो तो नहीं मिल रही थी, तो लाजमी तौर पे ये अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करे थोड़ा सा तो ये लाइन इस वक्त नहीं मिल रही, दूसरी लाइन। इन दोनों लाइंस के दरमियान डिफरेंस आ रहा है और ये डिफरेंस 0.05 आ रहा है, इसमें ये 0.05 आगे है और ये 0.05 पीछे है, तो लाजमी तौर पे जब हम लेफ्ट साइड से इसको सॉरी राइट साइड से इसको मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, तो पहले ये लाइन मिलेगी 0.05 मूव करने के बाद, फिर 0.05 का डबल मूव करने के बाद ये लाइन मिल जाएगी, 0.05 का ट्रिपल मूव करने पर ये लाइन मिल जाएगी, फिर ये लाइन मिल जाएगी। तो मैंने जो क्वेश्चन किया था वो ये था कि हमें लेफ्ट साइड से क्यों काउंट करनी पड़ रही है लाइंस को जब हम नेगेटिव जीरो एरर लेते हैं, तो वजह उसकी यही है कि अब हमारे पास जो काउंटिंग हो सकती है या कंपैरिजन हो सकता है वो लेफ्ट मोस्ट यानी 20th लाइन का हो सकता है, कि 20th लाइन मिल रही है इस 3.9 के साथ, 19th लाइन 3.7 से 0.05 के डिफरेंस के साथ है। तो इसका मतलब अगर ये 0.05 मूव करे टूवर्ड्स राइट तो अल्टीमेटली ये आपस में मैच कर जाएंगे, तो इस वजह से हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि हमें जरूरत पेश आती है इसकी कि हम मूव करें। मैं अब सारे को एक स्क्रीन के ऊपर लेके आऊंगा, अब गौर करें कि मैं जब इसको मूव करता हूं टूवर्ड्स राइट सॉरी टूवर्ड्स लेफ्ट, तो अल्टीमेटली यहां पर डिफरेंस जो बढ़ रहा है, ये वाला डिफरेंस ये बढ़ता जा रहा है, अब कितना बढ़ रहा है तो वो हम यहां से लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इस वक्त लाइन मिल रही है यहां पर, मैं पहले इसको हटा दूं, अब मैं ये लाइन मिल रही है, अब हमने मूव तो सिर्फ इसको इतना किया है, अब ये तो नहीं हो सकता कि ये लाइन जो इस वक्त मिल रही है वो 16वीं लाइन मिल रही है, क्योंकि हमने 16.05 तो मूव नहीं किया बल्कि हमने मूव किया है 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो काउंटिंग होगी वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम 16 नफी 20 कर लें जवाब आ जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट कर लें, या हम उसको गिनी जीरो राइट वाले जीरो की तरफ से लें। इसी वजह से वर्नियर कैलिपर के ऊपर अक्सर लेफ्ट साइड पर भी स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होता है और राइट साइड पर भी स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से लिया जाता है, तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर के अंदर नेगेटिव जीरो एरर लेने की वजह होती है। मैं अब आप लोगों को अलाउ करने लगा हूं कोई क्वेश्चन के लिए। जी बेटे आप बताएं, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछना। अगर ये बात समझ आ गई हो तो हम मूव करें टूवर्ड्स। सर जो जीरो एरर आएगा हमें ये खुद लाइन कंपाइल करनी पड़ेगी किसी ना किसी पे? नहीं नहीं, जीरो एरर का मतलब ही ये होता है कि आपने जबड़ों को आपस में मिलाया, ये तो मैंने समझाने के लिए आगे पीछे कर रहा था ना कि अगर ये सिचुएशन हो जाए, अगर ये सिचुएशन हो जाए, इंस्ट्रूमेंट को आपने मुकम्मल बंद करना है, बंद करने की सूरत में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है उसकी बात। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्क्रू गेज की सिचुएशन है वो भी बिल्कुल, अगर आप इसी चीज को ध्यान में रखें कि अगर आप उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, यानी स्क्रू को घुमाते घुमाते आपने उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है, तो बंद करने की सूरत में रिजल्ट हमारे पास क्या हो सकता है? मैं अगर उसको खोल लूं। अच्छा चले, आप लोगों ने वो वीडियोस तो मेरा ख्याल देख ली है कि किस तरीके से वो सर्कुलर स्केल कौन सी होती है, मेन स्केल कौन सी होती है, मैं उसी एक को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ कि अगर जीरो उसकी सेंट्रल एक्सिस से मिल रहा है
तो उस सूरत में तो मसला हल हो गया कि उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। अब अगर फर्ज करें कि वो जीरो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 की तरफ चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जस्ट पॉइंट यानी 4 डिवीजन ही ऊपर गया है। तो 4 डिवीजन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर वो लाइन 4 वाली लाइन सेंट्रल एक्सिस के साथ कंसाइड कर रही है, तो हम वहां पर सिर्फ इतना कह देंगे कि 4 मल्टीप्लाइड बाय उसकी लीस्ट काउंट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे जो 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, क्योंकि उस पर पहले से रीडिंग मौजूद है बगैर कुछ रखे हुए। और जब बगैर कुछ रखे हुए रीडिंग मौजूद है तो इट मीन्स कि हमारे पास आखिर में उसको माइनस करना पड़ेगा, तो जीरो एरर पॉजिटिव होगी और जीरो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर ये है कि वो पूरी तरह बंद हो गया, लेकिन जीरो जिसको एक्सिस सेंट्रल एक्सिस पर पहुंचना चाहिए था, इस तरह समझ लें कि ये जीरो सेंट्रल एक्सिस है, जो जीरो है वो यहीं पे रुक गया है, आगे यहाँ पर उसको आना चाहिए था लेकिन वो पीछे रह गया है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि उस सूरत में रिजल्ट हमारे पास ये होगा कि अभी इसको मजीद खोल बंद करना पड़ेगा टू कोइंसाइड विद दिस वन। अब इसका मतलब ये है कि उस पर रीडिंग खोलने के बावजूद भी जीरो हो जाएगी, जब हम उसको खोलेंगे तो उस पर रीडिंग जीरो हो जाएगी, हालांकि हमने उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो जब हमने उसमें कुछ नहीं रखा था उस वक्त उस पर कोई रीडिंग आ रही थी, तो वो जितनी रीडिंग होगी आखिर पे हमें जाकर उतनी जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा, हालांकि वो दोनों स्टड्स के दरमियान स्पेस होगी लेकिन रीडिंग जीरो शो हो रही होगी, तो वो कितनी होगी? तो लाजमी तौर पर वो अगर वो 46 या 47 के साथ कोइंसाइड कर रही है तो 46 या 47 बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे वो असल में 4 डिजिट और इसको मूव करना था, 4 डिजिट जो और मूव करना था उसी को लेके हमने मल्टीप्लाई करना है उसको लीस्ट काउंट के साथ विद नेगेटिव साइन। रीजन उसकी यही है कि आखिर में हमें जाकर उसको उतनी रीडिंग ऐड करनी पड़ती है। तो ये रीजन होती है हमें जीरो एरर नेगेटिव लेने की, और यही तरीकेकार हर इंस्ट्रूमेंट में यूज होगा जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज करते हैं। जी बेटे, होपफुली आप ये मैंने वैसे उसमें के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो आप गौर से दोबारा देख लीजिएगा तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं वो बच्चे जो आज ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सके उनके लिए अपलोड भी कर दूंगा, अगर किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो उसी अपलोडिंग स्ट्रीम के नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, होपफुली मैं फौरन आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगली मीटिंग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।